आज आहार मैं हूं तपेश जैन और हम लोग हैं बिलासपुर में। बिलासपुर का इतिहास और बिलासपुर की अगर बात करें तो तुलाराम जी यहां पर सराफा व्यवसाय में सबसे पुराने, जब शुरू हुआ जब तक ज्ञात हुआ 95 साल पुरानी फर्म है। राजेश कुमार शाह अभी वर्तमान में बिलासपुर एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष हैं। अभी छत्तीसगढ़ सराफा के चुनाव चल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे राजेश भाई? पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ, सबको शुभकामनाएं भी देता हूं कि आने वाले जो चुनाव में अपनी मेहनत से सफलता हासिल करें। दोनों पैनल को बोल सकता हूं मैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चूंकि बिलासपुर में कोषाध्यक्ष के रूप में हूं तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं अपने पैनल का सपोर्ट करूं और जितने भी छत्तीसगढ़ में सभी एसोसिएशन हैं उनसे भी अपील करता हूँ कि उन लोग भी हमारा सहयोग करें, एक नई टीम को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद दें। क्यों आपको ही समर्थन करें और आपके पैनल को, कौन सा पैनल है आपका? देखिए, अब तक का बिलासपुर का कोई भी प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ एसोसिएशन में अध्यक्ष के रूप में नहीं आया है। इसके पहले जितने भी कदम चुनाव हुए हैं उसमें रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव के ही कदम प्रतिनिधि मिली है, प्रतिनिधित्व हुआ है। तो अब हम चाहते हैं कि इस बेल्ट में जैसे बिलासपुर से नीचे अंबिकापुर, रायगढ़, सरगुजा, यहाँ के भी कदम व्यापारियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। सिर्फ यही वजह है कि प्रतिनिधित्व गुण और लक्षण बहुत सारी चीज़ें और भी होती है, वो उस पर क्या कहेंगे? इसमें हमारे जो अभी अध्यक्ष महोदय कदम जो खड़े हुए हैं कमल सोनी जी, उनका व्यक्तित्व ही कदम ऐसा है कि कदम आप देखते साथ प्रभावित हो जाएंगे। उनके बोलने की चाल, उनका कर्म बिलासपुर सराफा एसोसिएशन में अगर आप देखेंगे, उनके इतने अच्छे काम हुए हैं बिलासपुर में कि और कोई एसोसिएशन शायद ही कर पाया हो, मेरे को ऐसा महसूस होता है। जैसे बिलासपुर में सराफा एसोसिएशन का खुद का हॉल है हमारे पास और वहाँ पर ऑफिस है और हॉल के अंदर कम से कम मान लीजिए 100 लोगों का मीटिंग का कदम अरेंजमेंट है, तो खाने पीने की सुविधा भी है और बिलासपुर के व्यापारियों को सुकून है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आएगी उसके लिए प्रशासनिक तौर से, पुलिस की तरफ से और व्यापारियों के हित के लिए हमारे कमल भाई बहुत ही ज़्यादा तत्पर रहते हैं। कोई भी समस्या होती है मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है, वो उसका समाधान निकल जाता है। सराफा व्यवसाय बिलासपुर में किस तरीके से चलता है? सराफा बाजार के अलावा और क्या कुछ योजनाएं भी हैं आपकी? आने वाले दिन में यहाँ पर हम लोग जैसे पहले सोच कर रखे हुए हैं कि 2 जोन बनना चाहिए, एक रायपुर जोन जो ऊपर की तरफ बस्तर के साइड में उस एरिया में है, एक दूसरा जोन बिलासपुर होना चाहिए जो रायगढ़ से ले कर अंबिकापुर और रामा समझ लीजिए कर बिहार के टच होते तक का, वहाँ तक का कदम यहाँ पर एक अलग होलसेल मार्केट डेवलप होना चाहिए जिससे सभी व्यापारियों को आसानी से आभूषण मिल सके। क्या कुछ समस्याएं दिखती हैं अभी छत्तीसगढ़ सराफा की भी या सराफा की? देखिए, अभी मेरे ख्याल से कदम एक सराफा मार्केट भी नहीं है रायपुर में, तो सदर बाजार में है एक सराफा भवन हो कि जहां पर जाएं होलसेल का कदम पूरा सामान जिसको चाहे जिस दुकान से ले वहां पर, इस टाइप का होना चाहिए। एक सराफा का अलग से मीटिंग हॉल होना चाहिए जहां बैठ के जैसे कदम आज ऐसा हब लगभग आप मान के चलिए सभी एसोसिएशन का अपना एक भवन होता है, तो वैसे भी एक अपना खुद का भवन होना चाहिए ऐसा हम मानते हैं। क्या कुछ कहेंगे सराफा व्यवसायियों से? मैं सभी सराफा व्यवसायियों से ये कहना चाहूँगा कि इस बार कुछ हट के एक नए करने वाले, नए कदम उठाने वाले कमल सोनी जी का साथ दें और उनको भारी मतों से विजयी बनाएं। बता दूं कि 23 तारीख के रायपुर के पुजारी पार्क में वोटिंग का दिन है, 10:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक वोट डालने जरूर आइए, वोट से ही आपकी ताकत का पता चलेगा। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में, जय छत्तीसगढ़।